हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोग के लिए। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर गूगल प्ले में जो है आप जो है अपना एपीके अपलोड करते टाइम में अगर आपका एपीके फेल करके बताता है या अपलोड एरर करके बताता है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज इसी विषय में हम कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे और कुछ सीखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो इसमें जो मैं ऐसे टेक्निकल से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों, इसका रीज़न एक ही है फिलहाल के लिए, एक रीज़न है, यू नीड टू यूज अ डिफरेंट वर्जन कोड ऑफ योर एपीके बिकॉज यू ऑलरेडी हैव वन विद द वर्जन कोड फॉर। तो इसका कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो है गूगल प्ले में आपका जो है वर्जन कोड फॉर ऑलरेडी जो है अवेलेबल, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मतलब ऑलरेडी है, और आपको जो है इसलिए ये दोबारा अपलोड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको जो वर्जन कोड चेंज करना पड़ेगा आपका एपीके का। तो एपीके का वर्जन कोड चेंज करने के लिए आप जो भले गूगल एंड्रॉयड स्टूडियो से बनाते हैं अपना ऐप, या फिर गूगल प्ले सॉरी या फिर थंकेबल से बनाते हैं, या फिर अपना अदर जो है ऐप डेवलपिंग वेबसाइट से बनाते हैं, वहाँ पर जाकर दोस्तों आपको जो इसका एपीके चेंज करना, एपीके का वर्जन कोड चेंज करना पड़ेगा। वो वर्जन कोड कैसे चेंज करना है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद एक और रिक्वेस्ट है, आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मिस हो गया तो आप कुछ मिस कर सकते हैं और आप फिर से प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरे जो जितने भी सारे ऐप हैं, मैंने जो अपना जो है अपना जो थंकेबल से बनाए हुए हैं, और इसमें जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। एक सेकेंड दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने जो इस थंकेबल से बनाया है, मेरा गूगल प्ले में एक ऐप है और उसमें जो है हिंदी जॉक का एक ऐप है, उस पर जो है मैं आपको एक अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये ऐप खुल गया है, ठीक है। चलिए हम लोग, ये तो हो गया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपना। ये देखिए दोस्तों, बेस्ट ऐसे हिंदी जॉक्स ये हो गया है, और अब इसका जो है मेरे को एपीके चेंज करना है। मैंने अभी कुछ मॉडिफाई किया है अपना एपीके ऐप में, और उसको जो है मेरे को मैंने कुछ अपडेट किया है और उसको जो है मेरे को चेंज करना है। तो यहाँ पे आके हम लोग चेंज करेंगे। ये पुराना वाला है, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, ये पुराना कोड है। अब इसको इसमें मैं आपको बताऊँगा थंकेबल में जो कोड जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों ने अपना ऐप खोल लिया, अब आपको जाना कहाँ है, यहाँ, अब आपको यहाँ जाना है, यहाँ। ये देखिए दोस्तों, वर्जन कोड फोर, ये फोर को जगह पे दोस्तों आप पाँच डालिए, पाँच डालेंगे तो इसमें कोड आ जाएगा वर्जन फाइव। देखिए, यू नीड टू यूज अ डिफरेंट कोड फॉर योर एपीके बिकॉज यू ऑलरेडी हैव वन विद द वर्जन कोड फाइव। तो वर्जन फोर ऑलरेडी यहाँ पे है तो नहीं लेगा। तो दोस्तों, आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया। अब इसका एपीके का जो है, अब इसका एपीके जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जाइए, एपीके जनरेट कर दीजिए, अब ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर ये जो हम लोग को उसमें डाल देंगे। थोड़ा 2 मिनट टाइम लेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, शुरू हो गया है, जैसे एपीके डाउनलोड हो जाएगा वैसे हम लोग अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। ये हम लोग जो है वर्जन कोड चेंज कर दिया हमने, 4 की जगह 5 कर दिया है। अब ये 5 ये एपीके जो है यही जो डाउनलोड हो रहा है, इस एपीके को हम लोग गूगल प्ले में डालेंगे। इस एपीके का वर्जन है 5, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 कर दिया। और उसको अगर दोबारा भी आप फ्यूचर में भी अगर आपको फिर से चेंज करना है तो इसको आपका वर्जन कोड 6 डालना होगा दोस्तों, सेम कोड का वो जो है नहीं लेगा। थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों, ये एपीके कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
मे बी 1 मिनट और लगेगा या फिर 30 सेकेंड 40 सेकेंड लगेगा। बिल्डिंग हो रही है अभी। ये देखिए दोस्तों, एपी का डाउनलोड होना शुरू हो गया और ये कुछ ही सेकंड में जो है अपलोड डाउनलोड हो जाएगा और हम इसको जो है गूगल प्ले में जो है अपलोड करेंगे और इस प्रॉब्लम का सलूशन आ जाएगा। अपलोड फाइल से आपको पब्लिश में आ जाएगा। तो सेकंड रुकना पड़ेगा दोस्तों आपको। हो गया डाउनलोड दोस्तों। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब इस वाले ऐप को जो हम लोग इस वाले एपी को हम लोग अपलोड करते हैं। इसमें गए, ब्राउज फाइल में गए, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, वो आ गया यहाँ पे, वो ये एपी के 5 वाला वर्जन है। अब हम इसको डालेंगे, ओपन पे क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, अभी जो ये अपलोड एरर जो था पहले वाला, वो रिमूव होके अभी अपलोड सक्सेसफुली बोल के बताएगा। तो 60% ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अपलोड सक्सेस हो गया दोस्तों। आपका जो वर्जन 5 जो है यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है दोस्तों। और अब आपको करना है, अब आपको इसको पब्लिश करना है। उसके लिए नीचे जाइए, सबसे पहले सेव के बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, योर चेंज हैव बीन सेव्ड। आपका जो है चेंज, जो वर्जन 4 था वो चेंज हो गया, होके वर्जन 5 अभी हो गया, वर्जन कोड 5 हो गया, 4 जो है और एपीके 2 डीएक्टिवेट। तो आपका वर्जन 4 जो पहले का एपीके था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको इसमें रिव्यूज में क्लिक करना है, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए कुछ इस किस्म का इंटरफेस खुलेगा और अब आपको नीचे जाना होगा। 100% रोल आउट कर दीजिए। इंस्टॉलेशन टारगेट बाय द रोल आउट 6 हो गया। ये सब आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ तो दोस्तों, अब आपको जो है स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन करना है। ये जो है आपका मेन ऑप्शन है, अगर इसको क्लिक करते ही आपको जो है एपीके गूगल प्ले में एक्टिव हो जाएगा, एपीके वर्जन 5, ठीक है ना दोस्तों। और आपका जो है लोग जो आपका उस ऐप को जो है यूज कर सकें। चलिए स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन पे क्लिक कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये आपका जो है पब्लिश हो गया है प्रोडक्शन रिलीज 1। यहाँ पे जाके इस वैसे आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपको देखिए यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, और वर्जन कोड 5 आ गया, अपलोडेड टाइम आ गया और इंस्टॉलेशन ऑन एक्टिव डिवाइस नो डाटा, ये अभी आप ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आपको जो है जो मेन था, हम लोग को जो वर्जन चेंज करना था वो हम लोग ने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही मेरे को बताना था इस वीडियो में कि आप अगर आपका जो गूगल प्ले में जो है, अगर जो है आप एपीके अपलोड करते हैं और एपीके फेल करके बताता है। ये देखिए दोस्तों, वर्जन 5 जो है यहाँ पर आ गया है, ये एक्टिव हो गया। अगर गूगल प्ले में जो है अगर एपीके अपलोड करते हैं और आपका एपीके जो है अपलोड फेल करके बताता है, तो रीज़न एक रीज़न ये है, जहाँ तक मेन रीज़न आपका यही होगा कि जो है आपका जो वर्जन कोड की प्रॉब्लम होती है, वो वर्जन कोड जो है आपको कैसे जनरेट करना है वो मैंने आपको दिखा दिया है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, बिकॉज लाइक करना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाया है। बहुत सारे नए अगर ऐप डेवलपर हैं जिन जो लोग ये फेस करते हैं, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और उनको उनको मालूम नहीं चलता है, तो वो यूट्यूब वगैरह में सर्च करते रहते हैं कि क्या करें क्या करें। ये एक बहुत ही अच्छी वो बताइए, मैंने ट्रिक बताई है, ट्रिक तो नहीं है, टिप्स है जो मैं भी फेस किया था और मैंने आज सीख लिया और वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ऐसे करेंगे तो आपका एपी के अपलोड हो जाएगा, वर्जन कोड चेंज करके आप डालें तो अपलोड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद हो आपको और प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर
पसंद नहीं भी आया तो डिसलाइक भी, पसंद नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये मेरा चैनल है हिंदी टेक्निकल, इसको तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं डालता रहता हूँ जो आपको जो इसका नोटिफिकेशन मिलेगा, और आपको मेरी वीडियो का जैसे नोटिफिकेशन मिले आप उसको देख सकते हैं। और मैं इस चैनल में अच्छे अच्छे ही वीडियो डालता हूँ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ आप लोग के साथ एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों।